चुनाव से पहले हमारी ये घोषणा थी कि इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गढ़पुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। उस गढ़पुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा मारा फिर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी सक्रियता और गंभीरता के साथ काम करने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जहां एक तरफ वो चुनाव के अंदर अनियमितताओं, ईवीएम और इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के गठन के अंदर जनता की नहीं ईवीएम की विशेष जिम्मेदारी थी या ईवीएम का विशेष रोल था। इसके साथ साथ ही जो प्रमुख मुद्दा है इस समय हरियाणा के अंदर, क्योंकि बुआई का समय, फसलों का समय है और उसके लिए डीएपी की जरूरत है, तो कांग्रेस के नेता डीएपी के मुद्दे को लेकर के भी पूरी गंभीरता से उठा रहे हैं, पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के जिले के और पूरे हरियाणा के मुद्दे को उठाया, तो आज पलवल में हरियाणा के जो पूर्व मंत्री हैं, पलवल से जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हार गए लगभग 33,000 वोट से, दूसरी बार लगातार चुनाव हारे हैं, हालांकि 5 बार विधायक भी रहे हैं करण सिंह दलाल, तो आज करण सिंह दलाल खबर नवीसों के साथ में, अखबार नवीसों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने पलवल जिले से जुड़े हुए एक तो डीएपी और दूसरा टोल के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि पलवल जिले के अंदर जो गढ़पुरी हाईवे पर, गढ़पुरी गाँव के समीप जो टोल नाका लगा हुआ है, ये कांग्रेस के नेताओं ने इसको बड़े समय से, लंबे समय से मुद्दा बनाए रखा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले लगभग 1 साल पहले आपको ध्यान होगा कि जब इस टोल को शुरू करने की बात चल रही थी तो यहाँ पर महापंचायत और धरना प्रदर्शन चला। उस समय भी करण सिंह दलाल इसके अगुवा थे। करण सिंह दलाल कहा करते थे कि वो टोल चलने नहीं देंगे, लेकिन टोल भी चला और जो प्रदर्शन धरना सब जो चलता था, जाने कैसे वो ख़त्म हुआ, कौन सा उसके अंदर क्या कारण रहा, कौन से उसके अंदर समझौते हुए जिनके तहत वो ख़त्म हुआ, लेकिन हम उस बात की तह तक नहीं जाना चाहेंगे, वो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान जब अभी चुनाव चल रहा था और चुनाव परिणाम नहीं आया था, तो उस समय एक बात चली कि टोल के लिए, मैं आपको बताता चलूं कि इस टोल नाके पर लगभग 20 किलोमीटर का जो एरिया है, टोल के सराउंडिंग 20 किलोमीटर्स, उसमें ऐसे बहुत कम वाकए हैं, लेकिन ये गढ़पुरी टोल के लिए स्पेशल बात रही कि जो सराउंडिंग 20 किलोमीटर जो लोग रहते हैं उनके लिए 200 रुपये का पर मंथ का पास था, उस पास की दर बढ़ाकर के अब 340 रुपये की गई। तो करण सिंह दलाल इस मुद्दे को आज बड़े जोर शोर से उठा रहे थे और कह रहे थे कि होना तो ये चाहिए था कि इस टोल को हटाया जाता, लेकिन टोल को हटाने की बजाय अब सरकार ने इसका 200 से 340 रुपये कर दिया और इसी बात को लेकर के घेरे में ले रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे सरकार को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायकों को, कि होना तो ये चाहिए था कि टोल खत्म करें, लेकिन इन्होंने टोल की दर बढ़ा दी, उसके लिए जवाबदेही तय करें। सुनिए क्या कह रहे थे करण सिंह दलाल। चुनाव से पहले हमारी ये घोषणा थी कि इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गढ़पुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे, क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं, तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। दम से जो सरकार बनी है उस सरकार ने उस गढ़पुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गढ़पुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी
के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको देने दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी जो अब उजागर हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते थे कि चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के लिए लोगों के हक में बीजेपी के नुमाइंदों को आगे आकर के इस जाति को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के विधायक और सांसद आज भी लोगों की गदपुरी टोल पर इस लूट के प्रति उनका एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया है। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा की इस ईवीएम की सरकार को कम से कम लोगों के बचाव में आगे आकर के इस नाजायज लूट को बंद करना चाहिए। तो टोल के विषय पर बोलने के बाद साथ साथ ही करण सिंह दलाल ने डीएपी के मुद्दे को उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने चुनाव के दौरान में उनकी कई बार उन्होंने ईवीएम को लेकर के भी बात कही और ये कहा कि ये सरकार जनता की नहीं मशीनों की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, ईवीएम ने इस सरकार को बनाया है। इस दौरान करण सिंह दलाल ने गंभीर आरोप भी लगाए और ये भी कहा कि डीएपी की जो समस्या है वो सरकार की बनाई हुई समस्या है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान कभी डीएपी की समस्या नहीं हुआ करती थी और डीएपी के मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को खूब घेरा। ये कहा कि कुछ खाद बनाने वाले लोग जो हैं वो बड़े उद्योगपति बड़ी व्यापारी होते हैं, उनको किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं। सुनिए डीएपी को लेकर क्या बोले करण सिंह दलाल। किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मार रू नहीं ले रहा है और बेचारे किसानों की फसल का जो समय निकलता जा रहा है तो आने वाले समय में खाद की कमी की वजह से इलाके का, सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी विधायक मंत्री या किसी सांसद ने एक दफा भी ये नहीं कहा है कि डीएपी की खाद की कमी को पल पल में बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के किसानों को, मजदूरों को उनके बचाव में आना चाहिए और जो जबरन किसानों को डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है, डीएपी के एवज में नाजायज दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, उस जाति से इलाके के लोगों को बचाना चाहिए। और नहरों की हालत यह है कि नहरों में, रजवाहों में जो इस वक्त पानी की जरूरत है, न रजवाहों में पानी है न नहर में पानी है, तो ये हमारे इलाके की चौतरफा मार जो पड़ रही है और भाजपा विधायक मंत्री सांसद मूक दर्शक बनकर के लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, तो इन्हें आगे बढ़ करके लोगों के बचाव में, इलाके की मदद में आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ये तो महत्वपूर्ण बात हुई कि एक टोल का मुद्दा उठाया और दूसरा डीएपी की बात की। लेकिन सबसे प्रमुख बात दोस्तों ये है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से और अब तक लगातार पूरे हरियाणा के अंदर खासकर कुछ बड़े कांग्रेसी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने लिया ये जनता का मैंडेट नहीं, ये ईवीएम का मैंडेट था। इसके साथ साथ तमाम प्रकार की शिकायतें, तमाम प्रकार के, हालांकि चुनाव आयोग 1600 से ज़्यादा पन्नों की चिट्ठी लिखकर जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस के लोग जो है वो भ्रमित करते हैं, चुनाव प्रोसेस में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब कांग्रेस के लोग जो खासकर 9 तारीख को कल बैठक भी है हरियाणा के 53 हारे हुए कांग्रेस कैंडिडेट्स की, जिसके एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी स्टेट लेवल पर बनी जिसके चेयरमैन करण सिंह दलाल हैं, तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या आपको भी लगता है कि क्या इस सरकार के गठन में, सरकार जो बनी भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक जो हरियाणा के अंदर बनी, क्या ये जनता का मैंडेट है और कहीं आप भी कहीं समझते हैं कि इसके पीछे कहीं ईवीएम की भूमिका थी? आपको क्या लगता है कि चुनाव के अंदर किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं थी और या फिर जनता मन बनाए हुए थी एक बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लाने का? और सबसे प्रमुख बात,
आप कितना मानते हैं कि कांग्रेस की हार के लिए जो तमाम फैक्ट्स कांग्रेस बता रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनके साथ साथ कांग्रेसियों की आपसी गुटबाजी, नेताओं की आपसी जूतम पैजार और इनका जो आपसी धड़ों में बटा होना, वो कितना इसके पीछे, कांग्रेस की हार के पीछे जिम्मेदार रहा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।